लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बच्चों उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे माँ कितना बकबक कर रही है। बुढ़िया थोड़ी देर सोने देना। ए गोपाल सुन लिया ना, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बुढ़िया कह रहे हैं, मैं बकबक कर रही हूँ। अरे क्या हुआ, अगर इन लोगों ने ऐसा कह दिया तो मेरी नानी लगती हो तुम। बुढ़िया नहीं तो और क्या हो, अरे ये बच्चे हैं। देखो तुम सब लोग मिलकर ना मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इस उम्र में भी मैं सुई में धागा पिरो सकती हूँ बिना चश्मे के। हाँ, हम सब जानते हैं इस बारे में। आप, सुन लिया, सुन लिया। आप चुप रहिए नानी। हाँ, चुप रहती हूँ मैं, कोई नहीं सुनता। जाओ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अच्छे लोग हैं, इसका चेहरा देखे बिना तो उठेंगे नहीं और ये जानबूझकर उठाएगा नहीं। अच्छा सुनो, आज से तुम लोगों को नीम के दातुन से दांत घिसने की जरूरत नहीं है। तो मिट्टी और कोयले से घिसेंगे? नहीं नानी, ब्रश और पेस्ट से। हाँ। ये तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। चलो अब जल्दी से मुंह धो लो। चल सुन गोपाल। बोलो नानी। ये सब कितने में आया? कुछ नहीं, 20 रुपए में नानी। क्यों क्यों तुम अपने मेहनत की कमाई ऐसे बेकार में खर्च करते हो? हाँ, दातुन के पीछे पैसे खर्च करने थे? छोटे बच्चे नानी, उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, और फिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? देख जरा मेरे ब्रश से कितना झगड़ा रहा है। तेरा कुछ भी नहीं, मेरे जो ज्यादा आ रहा है। देखो नहीं, मेरा ज्यादा आ रहा है। गोपाल बाजार जाना है, शाम को जल्दी घर आ जाना। कल जाएंगे नानी, आज शाम को थोड़ा जरूरी काम है। मुझसे बढ़कर और कौन सा काम जरूरी हो सकता है? अरे अरे मैं तो बताना ही भूल गई थी, घर में चावल बहुत कम है। आज के लिए तो हो जाएगा ना। हाँ। शाम को लेके आऊंगा फिर। ठीक है। अच्छा वो छोटा स्कूल गया है ना? हाँ गया है, वो गोपिका स्कूल बहुत दूर हो गया है कह रहा था। रोज उतना दूर चल नहीं पा रहा हूँ, पैर दुखने लगते हैं। वो साइकिल मांग रहा था। कितनी देर हुई से जाए? अभी तो गया है। कहाँ जा रहे हो, कॉफी तो पीकर जाओ। ए चटू सुन गोपी। अरे रुक जा। हाँ भैया। स्कूल बहुत दूर है क्या? हाँ भैया। पैर दुखते हैं क्या? कोई बात नहीं भैया। ठीक है तो एक काम कर, मेरे कंधे पर बैठ जा, आजा मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे मैं अपने भाई को कंधे पे बिठा रहा हूँ, किसको दिक्कत होगी? चल आजा बैठ जा, आजा संभल के बैठा। अच्छे से बैठ गया ना? चला 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 जा। देखा स्कूल सही टाइम पे आ गया ना? हाँ थैंक्स भैया। अच्छा छोटू पैसे मिलते ही साइकिल दिला दूंगा। हाँ ठीक है भैया, टाटा भैया। टाटा। नानी। हाँ ये देख पूरे घर में पानी हो गया है। कहा था तालपत्री डालने के लिए, तो परसों डालूंगा कल डालूंगा कह रहा था, अब बारिश अचानक आ गई, बच्चे बेचारे कहाँ सोएंगे। सुनो नानी। हाँ? यहाँ पर बच्चों का बिस्तर लगाओ।
अरे गोपाल, रात भर तो ऐसे ही बैठा रहा। पिछले जन्म का कोई एहसान है क्या इनका तुझ पर, या फिर अगले जन्म में ये बच्चे तेरा एहसान चुकाने वाले हैं? तेरे जैसा भाई तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे नानी, इसमें एहसान की क्या बात है? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, लक्ष्मीपति ने हम सबको अपने घर पर बुलाया हुआ है। हाँ, आइए आइए। क्या बात है, हम सबको यहाँ अचानक बुला लिया, कोई खास बात है? अरे कुछ नहीं नानी, कल अच्छा दिन है। मैंने आपके बच्चे के साथ अपनी बहन की मंगनी की तैयारी कर ली है, और इसीलिए आज रात खाना खाकर आप सबको यहीं रहना होगा, तो कल सुबह हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देंगे। अब भाई साहब इतनी, इस मामले में तुम कुछ भी मत कहो, तुमसे पूछूंगा तो तुम बोलोगे अपने भाइयों के शादी के बाद करूंगा, और तब तक तो मेरी बहन बूढ़ी हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है। देखो भाई, कल सुबह का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, उसी मुहूर्त में कल मंगनी हो जाएगी, बस वो, अब कुछ भी नहीं। राधा, तुम्हें दो बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। दो में क्या होगा, मुझे पूरे 10 बच्चे चाहिए। हमारा घर हमेशा बच्चों से भरा हुआ होना चाहिए। 10 लोग बस? भैया भैया भैया, बाथरूम जाना है भैया। नीचे बाथरूम है, वहाँ जाओ। मुझे पता नहीं कहाँ है भाभी। नीचे जाकर ढूंढ लो, मिल जाएगा तुम्हें। भैया भैया भैया, बहुत जोर की लगी है भैया, चलो ना भैया प्लीज। ओ, 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 परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। तुम रुको, चल मैं चलता, आजा। हे, कितना नरम नरम है, अच्छा है ना भैया? वाह, मजा आ गया। ये, ये, मेरा बेड तुम्हारे खेलने के लिए है क्या? नीचे उतरो, चलो। हे भगवान, मेरा पाउडर। ए, तुम इंसान हो या जानवर? हाँ, हाँ, ए, और तुम मेरी कंघी से बाल बना रहे हो? देखो गंदी कर दी ना। तुम सबके सब कितने शैतान हो, चलो निकले यहाँ से, बाहर जाओ। राधा, अरे क्या हुआ? देखिए ना, मेरे बेड की क्या हालत कर दी है, और मेरा पाउडर सेंट पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा सुनो, तुम सब लोग बाहर जाके खेलो, जाओ। अच्छा बहन, एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें तंग कर रहे हैं? तंग नहीं कर रहे हैं भैया, मैं तो उनसे परेशान हो चुकी हूँ। शादी से पहले मुझे किसी भी तरह उन तीनों को किसी भी तरह हॉस्टल में डालना ही होगा भैया, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। शादी से पहले मुझे किसी भी तरह उन तीनों को किसी भी तरह हॉस्टल में डालना ही होगा भैया, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। वो मुझे दीजिए। सुनिए, आप जाकर नारियल लेकर के आइए। ठीक है पंडित जी। बहन जी, वो फूलवार रखिए। ये आप क्या कह रहे हैं जीजाजी? हाँ भाई साहब, मुझे शादी नहीं करनी है, आप अपनी बहन के लिए दूसरा रिश्ता देख लीजिए। आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये आप अनजाने में बोल रहे हैं या जानबूझकर? बताइए मेरी बहन में क्या कमी है? ये सोचा था कि मेरी होने वाली बीवी मेरे परिवार को जोड़ कर रखेगी, लेकिन वो तो शादी से पहले ही मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें उसकी क्या गलती है जीजाजी? देखिए जीजाजी, कोई भी लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ खुश रहना चाहती है। उसने कहा कि वो तुम्हारे भाइयों को हॉस्टल में छोड़ देगी, सड़क पर छोड़ देगी, ऐसा तो नहीं कहा ना? अगर मेरे छोटे भाई मुझसे अलग रहते हैं तो चाहे वो हॉस्टल में रहे, सड़क पर रहे, एक जैसे ही है। जीजाजी, जल्दबाजी में फैसला मत लो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बहन ने तुम्हें पसंद किया है, इसीलिए तुम लोगों की खुशी के लिए मैंने कितनी तैयारी की है पता है? यहां तक कि तुम्हारे नाम पर मैंने 50 एकड़ जमीन कर दी है, यह घर भी मैंने बहन के नाम लिख दिया है। मुझे अपने भाइयों से अलग करने वाली कोई भी जायदाद मुझे नहीं चाहिए। जीजाजी, सारे गांव वालों को मैंने बुला लिया है, मंगनी की पूरी तैयारी कर चुका हूं, बड़े बड़े लोग आकर बैठे हैं, अब अगर अचानक मंगनी रुक गई तो मेरी बहन की जिंदगी का क्या होगा, जरा सोचो तुम। इसीलिए भाई साहब, मंगनी से पहले ही मैंने ये फैसला किया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जीजाजी, मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए तुम्हें अपनी कंपनी में रखकर हर महीने पगार देता हूँ, मुझे मना करके तुम कैसे जियोगे एक बार सोच लो। देखिए, घास खाकर तो जानवर भी जीता है,
मगर जीने के लिए प्यार चाहिए ना, और मैं प्यार से जीना चाहता हूँ। जीने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैं चलता हूँ। गोपाल, एक बात याद रखना, जिन भाइयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी, तब वो लोग बिना सोचे समझे तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे और तब तुम्हें पता चलेगा मेरी और मेरी बहन की वैल्यू। देखिए लक्ष्मीपति जी, जिस दिन सारी दुनिया बोलेगी कि आज से सूर्य पश्चिम से निकलेगा हमेशा के लिए, उस दिन आपका सपना पूरा होगा। ओहो, तो तुम्हारे भाई लोग इतने महान हैं? महान लोग नहीं, सामान्य लोग हैं, इसलिए तो इतनी हिम्मत है। कपड़ा छोटा है जी, सिर्फ 3 ही शर्ट बनेगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाइयों के लिए सिल दो, ठीक है ना? आपके भाइयों से मिले बहुत दिन हो गए, उनके तो नाम भी भूल गया हूँ। बड़े का नाम है मधु, दूसरे का नाम गोपी और तीसरे का नाम है शेखर। शेखर शहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। दूसरे नंबर वाला गोपी इंस्पेक्टर की नौकरी में सेलेक्ट हो गया है, हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहा है। और पहले वाला होटल में काम कर रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता लेकिन वो सारा काम जानता है, कभी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। अच्छा वो सब छोड़ो, कपड़े की थोड़ी लंबी सिलाई करो। हाँ, अरे बढ़ते बच्चे हैं। अरे अब कितना बढ़ेंगे जी, अब तो वो लोग बड़े हो गए। बस बस बहुत हो गया, उन लोगों की उम्र जानते हो तुम, तो उनकी उम्र से तुम्हें क्या लेना देना, नजर लगा दोगे। जैसा कहता हूँ वैसा करो, थोड़ा लंबा सिल दो। ठीक है। गणपति सुन तो, त्योहार में तेरा ही दामाद आया है ना? बहरा है बहरा, इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ। अरे रानी माँ, वो जो है ना वो गणपति नहीं है। हा? दही बेचने वाली मंगा है। अच्छा, फिर उसने अपने सिर पर कुछ रखा क्यों नहीं है? आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? क्यों चश्मे नहीं पहनती हूँ तो दिखाई नहीं देगा क्या? इसका मतलब मेरी उम्र हो गई है ऐसा लगता है तुझे? इसमें बताने वाली क्या बात है, तुम क्या जवान हो? 30 साल पहले ही तो मैं जवान थी। छोड़ मैं बैठ सकती हूँ। ठीक है ठीक है, मुझे क्या करना है। अच्छा भाई लोग कहाँ हैं? भैया ड्रेस बहुत अच्छा है ना? नहीं नहीं, अच्छा कैसे लग सकता है, बहुत लंबी हो गई शर्ट, बेचारे टेलर ने मुझे बोला था हाल, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी, ये सब मेरी ही गलती है। इसमें आपकी क्या गलती है भैया? भैया आप आंखें बंद कीजिए। वो क्यों? पहले बंद कीजिए फिर बताता हूं। ए जल्दी जल्दी निकल निकल। भैया अब देखिए, ये लेटेस्ट स्टाइल है भैया। हाँ भैया। ठीक है, माताजी पिताजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। ठीक है भैया। अब
उधर देख नानी, चल ना थोड़ा परेशान करते हैं। ओके नानी अम्मा, हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं? भैया ने सिलवाया है। ये क्या, उसका दिमाग खराब हो गया है? कितने छोटे छोटे कपड़े सिल दिए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा भी दिमाग। अरे बस करो नानी। क्या हुआ? अब बताओ नानी। क्यों सताते हो मुझे? सबकी टांगे तोड़ के। अरे बाप रे बाप, क्या गर्मी है, पूरा भीग जा रहा हूँ। अच्छे अरे क्या हो गया? इतनी देर हो गई यहाँ है, पूछा नहीं कि हम लोग क्या खाएंगे पियेंगे? क्या रे, तुझे मैं क्या दिख रहा हूँ? तुझे क्या मैं वेटर दिखाई दे रहा हूँ? अरे रे, माफ कर देना, गलती हो गई। आप भी नाश्ता ही करने आए हैं ना? आप लोगों ने खा लिया हो तो जाइए ना। आओ आओ, आप यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊंगा तो यहाँ सफाई कौन करेगा? किसी को देख के लोग पता नहीं क्या समझ देते हैं, लोगों को आजकल कॉमन सेंस ही नहीं है। ए ए ए, इधर आओ इधर आओ। अनियन डोसा लाने का बोला, आपने डोसा काई को लाया? इतनी सी बात है, एक मिनट। ये क्या है? प्याज। और ये क्या है? डोसा। दोनों को मिलाया तो अनियन डोसा। अनियन डोसा खा लो। इधर आओ इधर आओ। क्या बात है? ऐसे ही करो, बहुत ऑयल सेव होगा, ऐसे ही मेंटेन करो, ऐसे ही। मालिक क्या है? हमारी वजह से ही आपके होटल में इतनी बचत हो रही है, तो मेरा 50 रुपया और इसका 100 रुपया बढ़ा दो मालिक। ये क्या बात कर रहे हो यहाँ? वहाँ क्लेम कौन करेगा? जाओ जाओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? सप्लाई कौन करेगा? जल्दी जाओ, जाओ जाओ। ए माँ, मौका मिलते ही बस पगार बढ़ाओ बोलते रहते हैं हमेशा। मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं पगार कैसे बढ़ाऊंगा? अरे इस मोर के पंख को अपनी किताब में रख दो, तुम अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है। तूने पैसे मांगे थे ना? तुम्हारी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुमने अपने ही घर को मेरे लिए गिरवी रख के मुझे ये पैसे दिए और मेरी मदद की। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, अगर एहसान ही चुकाना है तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे भाई से करवा देना। ये तो हमारे लिए किस्मत की बात होगी। मधु, मैं कल गाँव जा रही हूँ, तो मुझे मेरी मनपसंद चूड़ियाँ खरीद कर दोगे ना? ठीक है। घंटी बज गई, जल्दी चलो ट्रेन निकल जाए। चलो बेटा। हाँ चलो। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। क्या बात कर रही है, संभल के जाइएगा। हाँ ठीक है। बच्चे ठीक से पढ़ना, ठीक है, बाय बाय।
क्यों भाई, बड़ा है क्या? क्यों, घर पे पता क्या है ना? हाँ? ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिलता। आपने क्या मांगा था? बड़ा। एक मिनट पहले आया। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। आज अपन होटल में बड़ा नहीं बनाया, ये बड़ा कहाँ से लाया? कल आपने चूहे पकड़ने के लिए एक बड़ा रखा था ना, ये वही है। तो फिर चूहे का क्या हुआ? वो सुनते ही मर गया था ना। देख लिए ना गुरुजी, आपके होटल के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बताइए। अरे थैंक्स यार, तो कम से कम हमारी पगार बढ़ा दीजिए। मेरी 50 सुपर रेडियो, कैसे हो, कब आए? तुम्हारी बीबी को गांव भेज दिया क्या? तुम्हारी बीबी गांव चली गई क्या? ओके फिर मिलते हैं। आपके और क्या चाहिए सर? कहाँ से आई है ये चिट्ठी? अरे शहर में अपना सुंदरम है ना, उसकी बीवी ने लिखी है। क्या लिखा है? अगले महीने फैक्ट्री के कुछ काम से वो गांव आने वाला है। कहा है उनकी बेटी की पढ़ाई भी पूरी होगी, बचपन में देखा था ना बड़ी हो गई, इसलिए जितनी बड़ी हुई ना उसका फोटो भेजा है उन्होंने। अच्छा, लड़की का फोटो क्यों भेजा है? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, बचपन में ही तय हो गया था कि मधु और गौरी की शादी होगी, रिश्ते के लिए मांग रहे होंगे फोटो। ये बात है क्या? फिर तो अच्छा दिन देख कर जाता हूँ, ये फोटो उसको दिखा देना। ठीक है। ए गोपी इधर आ। क्या हुआ नानी? शहर में अपना सुंदरम है ना, उन्होंने अपनी बेटी गौरी का फोटो भेजा है। ऐसा क्या? हाँ। दिखाइए। बचपन में कितनी सुंदर दिखती थी, पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई है। इतनी काली, लंबे लंबे दांत, उधर उधर नाक भी कितनी गंदी है, इसे देख कर तो मुझे उल्टी आ रही है। हैं? भैया भाभी ऐसी है क्या? hey, ऐसी कैसी रहने दे, वो ही मेरी बीवी है, बचपन में ही तय हो गई थी। ला फोटो दे। नहीं दूंगा, अगर ये फोटो आप देख लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा दे इधर। भैया भाभी बहुत अच्छी है। भगवान, भाई के रिश्ते की बात करने जा रहा हूं, सब सही हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बधाई हो सर, आप ऐसे ही कामयाब होते रहे, मेरी यही दिली इच्छा है सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, थैंक यू। अगर ये नहीं होंगे तो और कौन होगा सर? यस यू आर राइट। सुंदरम ठीक हो ना? बहुत दिन हो गए। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? सुंदर मेरा दोस्त है, गांव वाला। अरे इन्हें बताना यार। एक्सक्यूज मी, तुम इधर आओ ना। हाँ। तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है। सर लंच इज रेडी। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, लंच इज रेडी, तो जो भी खाना खाना चाहते हैं वो लोग ऊपर आ जाइए। श्योर, चलो आओ। चलिए प्लीज 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 गो। चलो। एक्सक्यूज मी, आप भी खाना खाने आइए ना। हाँ ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, हम दोनों मिलके खाएंगे। हाँ हेलो सर, आइए आइए, सही वक्त पे आ गए। अरे भाई साहब आप, नमस्ते। कब आए आप यहाँ पे? बस अभी आया। घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है जी। वो गौरी कहाँ है? उसकी फ्रेंड अमेरिका से आने वाली है, उसे ही रिसीव करने एयरपोर्ट पर गई है। क्या हुआ, इतनी अचानक कैसे आना? अरे कुछ नहीं यार, भाई की शादी की बात करने आया हूँ। ओह अच्छा, तो कुछ पैसे चाहिए क्या? ये क्या सुंदर, मेरे भाई की और तेरी बेटी की शादी करवाएंगे, ऐसा बचपन में ही तय हो गया था। अच्छा तो तुम्हारा भाई क्या करता है? होटल में काम करता है। पगार कितनी उसकी? महीने का 850 मिलता है। मुकेश, कनक राव। सर। मालिक। मुकेश। सर। तुम्हारी पगार कितनी? 10,000 सर। मतलब 10,000 ही ना? यस सर। तुम्हारी पगार कितनी? 5,000 मालिक। मुकेश। सर। उसका टावल अपने कंधे पे लेकर अपना चश्मा उसे लगा दो। सर वो डू वॉट आई से। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? सूट बूट पहने वाले आदमी ने टावल डाल रखा है,
लुंगी पहने आदमी ने काला चश्मा पहन रखा है, ये देखने लायक नहीं है। क्या सच में? तुम लोग जाओ अब। यस सर जी। अगर तुम्हारे भाई की और मेरी बेटी की शादी हो गई तो उन दोनों की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी। मानता हूं एक समय में तुमने पैसे से मेरी बहुत मदद की थी, उससे इनकार नहीं कर रहा। अगर चाहो तो मुझसे वो पैसा ब्याज सहित वापस ले लो, लेकिन एक बात कहूं, अगर तुम ये सोचते हो कि ये शादी हो सकती है तो दोबारा मेरे घर भी मत आना। फिलहाल मुझे बहुत काम है तो चलता हूं। और हां, इतनी दूर से आए हो तुम, खाना खाकर जरूर जाना। अब सुंदर एक मिनट, तो मैं मेरा दोस्त सुंदर समझकर आया था, लेकिन मेरे सामने तो पैसे वाला सुंदर खड़ा है। अगर ये पता होता तो मैं नहीं आता। चलो कम से कम तुमने खाने के लिए तो कहा, बहुत खुशी हुई। चलता हूं, चलता हूं जी। क्या हुआ बेटा, सुंदर से मिलकर आया? क्या कहा? लड़की की कुंडली के हिसाब से 2 साल तक शादी नहीं कर सकता कह रहा है। तुमने क्या कहा? अगर कुंडली में ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, इतने साल रुके हैं तो 2 साल और रुक जाते हैं। हाँ बात तो सही है। वहां किसी ने आपका अपमान किया क्या भैया? अरे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? भैया बचपन से आईने में अपना चेहरा कम देखा है, आपका ज्यादा देखा है। आपके हर भाव को समझ सकता हूं मैं, लेकिन एक बात है भैया, अगर आपके सर झुकाने से गौरी से मेरी शादी होगी तो मुझे ये शादी हरगिज नहीं करनी भैया। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं करनी मुझे। अरे तुम्हारे होटल का टिफिन बहुत बढ़िया है। थैंक्स सर, ये सब तो आप लोगों की दुआ है। कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया है ना? सही है। बाकी के पैसे वापस करो। बाकी के छुट्टे कौन देगा? अरे मेरे पैसे वापस करो ना, मैंने पैसे दिए, 100 रुपए दिया ना अभी। मजाक क्यों कर रहे हो तुम? हम क्यों मजाक करेगा, तू हमारा दोस्त नहीं है ना, हम तुम्हारा चाचा ना तुम हमारा भतीजा। हम तुमको 100 रुपया दिया, 32 रुपया काट के हमारा पैसा वापस करो अभी के अभी। अरे 100 रुपया दिया नहीं तो छुट्टा कहाँ से मांग रहा है, तू पागल हो गया क्या? जबान संभाल कर बात करो, देखा आपने इसकी बदतमीजी। अरे भाई 32 रुपए 50 पैसे हुए, हम 100 रुपए दिया, हमने बिल का पैसा काट के बाकी पैसा वापस देने को बोला तो ये हमको पागल बोल रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, पैसे दे दो। एक घुसे मारूंगा मुंह फट जाएगा। बड़ा आया यहाँ पर फैसला सुनाने वाला, पहले तू अपना बिल भर। अरे मैं क्यों बिल भरूं भाई, अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो फिर नौ इंद्रियां बन करके अंदर आओ और खाना खा करके वापस जाओ। अरे क्या लफड़ा हो रहा है? देखो मधु, पैसा नहीं दिया और फिर दिया बोल करके झूठ बोल रहा है। हमारे सामने झूठ नहीं बोलने का, अभी गले का पेटी खोल कर देखो, 100 रुपए पड़े होंगे उसमें। बस 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 कर, लाल साड़ी पहनने वाली हर कोई तेरी बीवी नहीं हो सकती, वैसे ही गले में पड़ा हुआ हर 100 का नोट तेरा नहीं हो सकता। आप क्या कहते हो सर? इसमें कहने वाला कौन सा बात है, हमारा बचा हुआ पैसा दे दो, हमें यहाँ से चला जाएगा। आपने ऑलरेडी 100 रुपए दिए ना? ऐसे कहते और 32.5 रुपए दोगे तो बराबर हो जाएगा। ये एक और आ गए, इनकी बात और सुन लो, हमसे ये उल्टा पैसा मांग रहे हैं। आपका बिल कहाँ है? यहीं पर तो है। अरे बाप रे, धोखा है धोखा। 132 रुपए 50 पैसे कैसे हो गए? 100 रुपए नहीं दिए और बोल रहे हो दे दिए। दिस इज अ चीटिंग। ये बताओ ये बिल हमारा है, इसका सबूत क्या है? आपने 100 रुपए दिया, इसका क्या सबूत है? मैं हूँ ना। आपने इतना खाया, इसका सबूत मैं हूँ। इतने साल की जो मेरी सर्विस है ना, इतने लोगों को देखा तेरे जैसे, बेकार में झगड़ा क्यों करना चाहते हो? ईमानदारी से बिल भर के जाओ। भरना पड़ेगा? हाँ भरना पड़ेगा। नहीं दिया तो सर काट दूंगा। अपना हाथ दिखाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। ए पहले मेरा हाथ छोड़। ये कितने का होगा? हमें नहीं पता, ये चुराया हुआ है ना। हाँ कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। ठीक है तुम जाओ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। ऐसी हरकत दूसरी जगह पे मत करना,
नहीं तो तेरी टांग टूट जाएगी। ठीक है नहीं तोड़ूंगा। ए सुंटी, मधु को अगले महीने से पगार 100 रुपया बढ़ाकर देता हूँ। अगले महीने से थैंक यू। अगले महीने से तेरे पगार में मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपए कट करके। जाओ जाओ अपना काम करो, चलो जाओ। कंजूस कहीं का। मास्टर जी, मास्टर जी। अरे थोड़ी देर रुको ना। जब से पोस्ट ऑफिस और घर एक हो गया, चैन से खाना भी नहीं खा पाता और सबको टाइम से अटेंड करना पड़ता है। सुनिए जी, शाम को लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए क्यों भूल जाऊंगा मैं? ये 36वां रिश्ता है। पहले वालों को भी पसंद नहीं आया तो इन लोगों को कैसे पसंद आएगा? और तुम कह रही हो कि मैं भूल जाऊंगा? अरे क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? बोल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। हाँ बोलो क्या चाहिए? 2 इंग्लैंड कवर और 2 कार्ड चाहिए सर। हाँ ये लो। हाँ ठीक है। और ये बाकी के? अरे गोपाल तू ऐसे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। कुछ नहीं यार, तेरी खोपड़ी गर्म थी तो मैंने सोचा और परेशान ना करूं इसलिए बाहर ही खड़ा हो गया। अच्छा बता किस पर चिल्ला रहा था तू? अरे किस पर चिल्लाऊंगा, मेरे लिए तो शनि मेरी बेटी ही है भाई, उसी पर चिल्ला रहा था। उसके लिए अब तक पूरे 36 रिश्ते देख चुका हूँ। सब आकर लड्डू खाते हैं कहते हैं बहुत अच्छा, फिर पकोड़े खाते हैं कहते हैं बहुत अच्छा, उसका लड़की को देख के चले जाते हैं, फिर कहते हैं घर जाके चिट्ठी लिखेंगे पर लिखते नहीं है और वजह भी नहीं बताते कोई। अब क्या समझ में आया इससे? सब मेरे ही कर्म है, पता नहीं कौन से जन्म का पाप भुगत रहा हूं मैं। इसकी कुंडली में ही शनि बैठा लगता है, दूसरे को क्या दोष देना। अरे कैसी बात कर रहा है, बच्ची नाराज हो जाएगी। क्या नाराज हो जाएगी, रोजाना तो सुनती है मेरी ये बात, उसको भी आदत पड़ गई है। खैर छोड़ो ये सब, तुम यहाँ आए हो लेटर या मनी ऑर्डर के लिए, यही ना? अच्छा सुनो, मैं एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना। हाँ अरे क्या बात है बताना यार। जितना भी कमा रहे हो सब अपने भाइयों पर खर्च कर रहे हो, कुछ अपने लिए भी बचा लो। मेरे बारे में तो पता है ना तुम्हें, अपने भाइयों को खूब पढ़ाया लिखाया और खूब तकलीफ से ही मैंने, आज वो अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन पीछे मुड़ कर नहीं देखते। मैं इस लायक भी नहीं कि अपनी बेटी की शादी किसी पीएन से करवा सकूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हाल तुम्हारा भी हो जाए। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे भाई हीरे हैं हीरे। Let's go. यहाँ शेखर कौन है? मैं हूँ, क्या हुआ? आपका मनी ऑर्डर आया है, यहाँ साइन कीजिए। अरे मधु। अरे शंकर चाचा आप हैं? ए एक स्पेशल चाला, आइए बैठकर बातें करते हैं। बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बेटा। हाँ शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं अपने गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए, बगीचे के बंगले में रह रहे हैं। अच्छा। उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और सुनो इससे पहले तो मोटर मैकेनिक का काम करते थे ना, तुम्हारे पहचान का कोई ड्राइवर है क्या? पगार कितनी? 15,000 तक देंगे। अरे तो फिर मैं ही आता हूँ ना। क्या बात है, तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? अरे मैं तो हर काम जानता हूँ, ये पीजे। जनार्दन सर, हम लोग जहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं उस साइट को देखने के लिए कुछ इंजीनियर्स आ रहे हैं सर, तो स्टेशन पे कार भेजना मत भूलना। ठीक है सर। शंकर ने कहा था कोई नया ड्राइवर आएगा, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। गुड, कौन है जरा देखो। ओके सर। सर नमस्ते सर। तुम गोपाल राव के भाई हो ना? हाँ जी सर। उस दिन मैंने तुम्हारे भाई को कह दिया था कि यहाँ पर शादी की कोई बात नहीं करेगा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं उसके लिए नहीं आया हूँ सर, आपको ड्राइवर चाहिए ऐसे शंकर चाचा ने कहा था इसीलिए आया हूँ। ओह आई सी। लाइसेंस है क्या? है सर।
ओके, ये कार लेकर स्टेशन जाओ, तुम्हारे साथ मेरा पीए जाएगा। ठीक है सर। और एक बात, तुम कौन और कहां से आए हो ये बात मेरी बेटी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए ना? ठीक है सर। जाओ। पता नहीं अपनी जबान पे कायम भी रहेगा या नहीं। करोड़ों रुपए देने पर भी वह एहसान फरामोशी नहीं करेगा। अरे नानी माँ, चावल यहाँ नहीं, यहाँ है। हाँ मुझे पता है, नीचे गिरे हुए चावल उठा रही थी। अच्छा सुनो, टाइम हो गया है, खाना लगा दूं क्या? सुबह राव जी रास्ते में मिले थे, उन्हें खाने पर बुलाया है, वो आ जाएं तो साथ में मिलकर खाएंगे। ठीक है। माँ जी आइए जी आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या सोच रहे हो, इसे अपना ही घर समझो, आओ 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 आओ। ये क्या नानी, भिखारी को अंदर लेकर क्यों आई? भिखारी नहीं कहते, ये तो अतिथि हैं, अतिथि की सेवा करना पुण्य का काम होता है, अतिथि देवो भव, कभी सुना नहीं क्या? अगर तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो वापस भेज देती हूँ, बेचारा भिखारी है, भीख मांगता है, ऐसा कहकर इसकी बेइज्जती नहीं करूंगी, जाओ 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 जाओ। माँ जी भीख दे दीजिए। माँ जी छे, बदमाश कहीं का। माँ जी भीख दे दीजिए, ऐसा कहा होता तो पहले ही तुझे बाहर निकाल देती। माँ जी इस तरह से कह रहा था और घर में आ गया, चल निकल यहाँ से, फिर से आया तो टांगे तोड़ दूंगी, कभी दिखाई मत देना मुझे। हाँ। ए कहाँ है तू? यही हूँ माँ जी। मैंने चावल कहाँ सुखाए हैं? नीचे सुखाई हैं। मुझे वहाँ तक लेकर चल। आप मुझे भीख देंगी ना? हाँ पहले लेकर तो चल। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी, आइए यहाँ है चावल। हाँ पता है मुझे। माँ जी अब तो भीख दे दीजिए। अरे मैंने अपनी लाठी यहीं पर रखी थी, कहाँ गई? ये लीजिए माँ जी। क्या मांगा था तुमने? भीख मांगा था। भीख चाहिए? भीख चाहिए? मारूंगी तुझे, सुबह सुबह भीख मांगने आ गया, इज्जत का कचरा भी कर दिया सुबह सुबह, कहाँ चला गया ये? क्यों नहीं देता? नानी माँ। ये फिर से आ गया क्या? पहले माँ जी कह रहा था, अब नानी कह रहा है, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा नहीं आएगा। कहाँ गई मेरी लाठी? हाँ ये रही। हाँ बोलो, यहाँ आओ। क्या हुआ नानी माँ? जरा पास आओ ना। कहाँ से आ गए? कहा था ना वापस बताना, अपनी शक्ल मत दिखाना, इतनी बेइज्जती करवाई मेरी, उसके बाद वापस आ गए? यहाँ से नानी माँ। अरे उसे क्या समझ रही हो, वो अपना सोंटी था। वो तो मुझे पता है, उसने गलत काम किया था ना, इसीलिए मार रही थी उसे। अच्छा गोपी, तो यहीं पर रुक, नहीं तो सुबह राम आएंगे तो ये उन्हें भी मारेगी। ठीक है भैया। शंकर काका। हाँ बेटी। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, किसी को बोलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवाकर भेज दीजिए। लेके आता हूँ बेटी। गरी गरी सोंठ वाली कॉफी पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। चाचा। हाँ कॉफी मैं ले जाऊंगा, आप अपना काम कीजिए। अच्छा बेटा। हाँ। जी मैं आपका नया ड्राइवर हूँ, आपने कॉफी मंगवाई थी ना तो लेकर आया हूँ। तुम्हें अकल नहीं है क्या, आने से पहले नॉक करते हैं, पता नहीं है? माफ कीजिए गलती हो गई। ठीक है ठीक है, यहाँ रख दो और जाओ।
सॉल्ट कॉफी, आपको सरदर्द है ना? शट अप, तुम ड्राइवर हो या डॉक्टर? मैंने सॉल्ट की कॉफी मांगी थी। जितना बोला जाए उतना ही करो, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और तुम ये क्यों लेकर आए? घर में कोई और नहीं है क्या? ये पकड़ो और ले जाओ यहाँ से, पकड़ो। अरे भाई, मसाला बड़ा है क्या? नहीं है, सुबह ही 500 बड़ा बनाया था, कॉलेज में स्ट्राइक इसे लेके गए। कॉलेज स्ट्राइक और मसाला बड़ा के बीच क्या संबंध है? एक मारूंगा सर पे बड़ा से, मेरे होटल का बड़ा पत्थर से कम नहीं है। वैसे एक बड़ा बचा हुआ है, लाके दूं क्या? नहीं भाई, नहीं चाहिए, मैं डोसा खा लूंगा। किस्मत अच्छी थी इसकी। बस माँ, एक निवाला और खा लो बेटी। प्लीज माँ, नहीं बेटी, चाहिए मेरी नहीं, बच्ची खा लेना। इस ड्राइवर को देखती हूँ ना तो गुस्सा आता है मुझे। क्यों? उसकी नजरें ठीक नहीं है माँ, हमेशा घूरता रहता है मुझे। वो ऐसे देख रहा है, तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम भी तो उसे उसी तरह से देख रही होगी ना। तुम्हें सिर्फ उसका शरीर दिखाई देता है बेटी, उसके मन में झांक कर देखोगी तो ऐसी बातें नहीं करोगी। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। ये सामान वामान लेकर आज आप कहाँ जा रहे हैं? छोटा भाई शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है ना, उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। अरे भैया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वो अंदर जाना है। हाथ में ये सब क्या है? वो लड्डू, काला जामुन और चकली है। तुम ठीक तो हो ना? इसे बेचने के लिए तुम मार्केट समझ कर आए? अरे ये मेडिकल कॉलेज है, जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है, इसका भाई है ना, इसी कॉलेज में पढ़ता है। इसका भाई इस कॉलेज में पढ़ता है, मैं मान लूंगा। अरे भाई तुमको हम बेवकूफ लगते हैं, जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे हटो हटो, गाड़ी आ रही है। नमस्ते सर। चल चल। अरे सुनो, अंदर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ज्यादा सोच मत। अभी नहीं सर। कितना देर हुआ? सब लोग आ गए हैं सर, कुछ लोग का आना बाकी है, फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। हे शेखर, बधाई हो यार। हे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अरे गोपाल, सब लोग तेरे भाई को बधाई दे रहे, लगता है वो फर्स्ट क्लास में पास हो गया। तो ऐसे कोई तारीफ करता है क्या? मेरा भाई है आखिर वो। हे शेखर, ये मेरे डैडी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। नमस्ते। डैडी है शेखर। कांग्रेचुलेशन माय बॉय। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। चल ना हम लोग आगे चलते। नहीं रुक जा। अरे पर क्यों? अपना भाई डॉक्टरी पढ़ रही है अपने लिए गर्व की बात है, लेकिन अगर उसे कहना पड़ा कि मैं गांव वाला उसका बड़ा भाई हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, हम यही खड़े होकर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने कॉलेज की यह रजत जयंती है, इस अवसर पर अपने कॉलेज के लिए गर्व की बात है और हम सब के लिए खुशी की बात है। अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट मिस्टर शेखर, इंडिकेशन ऑफ कैंसर इन द न्यू मिलेनियम, इस बात पर एक एनालिटिकल आर्टिकल लिखा है, उस पेपर को ऑल इंडियन मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव किया है। उस स्टूडेंट का अपने कॉलेज को अप्रिशिएट करने वाला एक लेटर भी आया था। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ऐसा अद्भुत पेपर लिखा, इसलिए मिस्टर शेखर को अप्रिशिएट करते हुए अपनी तरफ से और कॉलेज की तरफ से उन्हें गोल्ड मेडल देने का फैसला लिया है। मिस्टर शेखर, प्लीज कम टू द स्टेज, गिव मी अ बिग हैंड। कॉन्ग्रेट्स माय बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। ये लो खाओ, ये तुम लो। मुख्य अतिथि हाई कोर्ट के जज श्री राम मोहन राव जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने हाथों से उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान करें। तुम लोगों को हम अंदर आने से मना किए थे ना, अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर। थोड़ी सी देर देख के चले जाएंगे। सुनाई नहीं देता क्या? चलो यहाँ से, बोले ना।
चलो बाहर, चलो चलो। क्या रहा है? हो क्या रहा है? कॉलेज के अंदर घुसकर लड्डू बेच रहे हैं। बस स्टैंड समझ रखा है? ए, इन्हें बाहर निकालो। ए, चलो चलो। बताइए कौन है? निकालो। अरे चलो बाहर। अरे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? चुप हो जाना, शांत हो जा। ऐसे गिरबल पकड़ोगी क्या? अरे कौन सा तरीका? चल नहीं देता। चलो निकलो यहां से। चलो हटो। तूने मेरे भैया के ऊपर हाथ उठाया तेरी तो। शांत हो जाना। आइए मेरे साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कुछ भी आज किया है, आप लोग जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इन सब का कारण मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है मेरे बड़े भैया। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अगर मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो मैं भी आज गांव में खेती कर रहा होता। सिर्फ इनके कपड़े देखकर आज इनका अपमान किया गया। अगर आपके सामने मैं अच्छे कपड़ों में खड़ा हूँ तो ये सब इनकी मेहरबानी है। मैं सफेद कोट पहनकर एक डॉक्टर बन जाऊं, इसके लिए ही जिंदगी भर मेहनत करते रहे। इनका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा है, मगर जिंदगी भर मुझे माँ का बाप का तो रुख प्यार दिया है मेरे भैया ने। मेरे लिए भगवान से बढ़कर भी मेरे भैया है, इनके जैसा कोई नहीं है और ना मेरे लिए कभी कोई होगा। मैं कुछ बन सकूं, मेरे सपने के लिए जिंदगी कुर्बान करने वाले ये हैं। भगवान के समान देवता जैसे मेरे भैया का उस वॉचमैन ने आज अपमान किया है, मेरी आंखों के सामने अपमान किया। भैया मत, Hi Anand. Hi Gauri. How are you? I'm fine. How are you? I'm great. Chacha, ये कौन है? इनका नाम आनंद है, मालिक के पार्टनर के बेटे हैं। इनके साथ ही मालिक की बेटी की शादी होने वाली है। Meet my friends. He's Vinay. Hi. Sudhir. Hello. Hello. Hi. Gorai. Hi. Hey, मैंने बताया था ना, she's Gauri, मेरी होने वाली। How is she? Looking great ना? Yeah. Hey. Yeah. Hello young man. How are you? Fine uncle. God bless you. क्यों बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। मम्मी पापा कैसे हैं? एकदम ठीक हैं। आपको और अंकल को याद कर रहे थे, साथ में गौरी को भी। मुझे बोला कि इसका ख्याल रखने के लिए। चलो अंदर चलो, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। ओके, चलो आंटी। चलो खाओ। एक्सक्यूज मी, सामान वहीं रहने दीजिए, नौकर ले आएंगे, आप लोग अंदर जाइए। ओके थैंक यू। ए, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सामान उठाकर अंदर रखो। तुम्हें ही बोल रही हूँ, जल्दी करो। वो धूप सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे लिए नीचे कर दी। थैंक्स। कोई बात नहीं। आहा, मेरा शो। हाँ, फिर से गया। हैट्रिक, कांग्रेट्स। थैंक यू। क्या बात है, आज किस्मत तुम्हारा बहुत साथ दे रही है। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा मैं लकी होती हूँ। मेरी बात मानो तो खेलना बंद कर दो, वरना तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। हाँ ठीक है, अपना पैसा है, चाहे तुम्हारे पास रहे या मेरे पास। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो जल्दी से कार्ड बांटो, कल सुबह आ जाना। ठीक है सब। ए वाहन चालक, इधर आओ।
ए ड्राइवर, तुझे ही बोल रहा हूँ, इधर आओ। क्यों, वाहन चालक बोला तो तुझे समझ में नहीं आया क्या? ड्राइवर को हिंदी में वाहन चालक ही बोलते हैं, समझ गया ना? ठीक है, चार पेप्सी की बोतल लेके आ। ठीक है। ए, वहाँ कहाँ जा रहा है? फ्रिज अंदर ही तो है ना। फ्रिज वाला मुझे जमता नहीं है, बहुत ठंडा होता है यार, तू बाहर से लेके आ। ये लीजिए सर कोल्ड ड्रिंक, ओपन करूँ क्या? कोई जरूरत नहीं, वहां रख दे। मैं चलता हूँ सर। ए, एक बात बता, पैर में तेरे पहिए लगे हैं क्या? हर वक्त चलता हूँ बोलता रहता है। वो नहीं सर, काम हो गया ना, घर जाना है अब। किसने कहा काम हो गया? अभी तो बहुत काम बाकी है, घर जाने का बस बहाना चाहिए। अपना हाथ दो। अरे हाथ दो यार। इस बालू में जितने भी कंकड़ हैं उसे गिन के हमें बता, तब तक हम लोग अपना हाथ खेल रहे हैं, ठीक है? जा। सर। तू फिर से आ गया? मैंने गिन लिया सर। इतनी जल्दी गिन लिया? हाँ जी, 104,232 हैं पूरे। मैंने तो गिन लिया है सर, आपको शक है तो आप भी गिन लीजिए। बेटा मधु, कल सुबह जल्दी आ जाना। क्यों चाचा? कल मालकिन का जन्मदिन है ना। अच्छा। हाँ मधु, कल मैं गांव चली जाऊंगी, तो मेरी पसंद की चूड़ियां लाकर दोगे ना? ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई एम सॉरी ड्राइवर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कम आंख के देख रहा था। यू आर रियली इंटेलिजेंट, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए। सर आप बड़े हैं, दोस्ती में छोटा बड़ा क्या होता है? कम ऑन, कम ऑन। अच्छा क्या है ये? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, दिखाओ ना मुझे, दिखाओ। आज मालकिन का जन्मदिन है ना सर। मालकिन को देसी चूड़ियाँ पसंद है, ये तुम्हें कैसे पता? वो महिलाओं को चूड़ियाँ तो पसंद होती है ना। गुड, वैसे ये देकर मालकिन से क्या कहोगे? और क्या कहूँगा, जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा बस। नो, गौरी के पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं और वो सबके सब पढ़े लिखे हैं, हिंदी में बोलने से अच्छा है इंग्लिश में बोलना। मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। तुम्हें नहीं आती तो क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त को तो आती है ना। आई वॉन्ट टू बी योर हबी, ऐसा कहो। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है कि तुम 100 साल खुशी के साथ जियो। यही मैं भी बोलने वाला था, एक बार और बताइए। आई वॉन्ट टू बी योर हबी। आई वॉन्ट टू बी योर हबी, योर हबी, आई वॉन्ट टू बी योर हबी। करेक्ट, ऐसे ही कहना। ऑल द बेस्ट। आई वॉन्ट टू बी योर हबी, I want to be your hubby. Hey, आज तो ये गया काम से। Okay, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। I want to be your hubby. वाकई बहुत अच्छा है। I want to ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। कितना अच्छा है ना? हाँ। I want to be your hubby. What? I want to be your hubby. क्यों, समझी नहीं क्या? तेरा ड्राइवर तेरा पति बनना चाहता है। अच्छा है ना, जब चाहे जहां जा सकती है। Stop it! बदतमीज कहीं के। मेरे घर के नौकर होकर मुझसे शादी करना चाहते हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? Get out of here! Out!
क्या हुआ? इंसल्ट हो गई क्या? मालकिन ने मारा क्या? हे, क्या हुआ? चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हे, बताना, तू नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दर्द कितना हो रहा है? थोड़ा दर्द हो रहा है या बहुत दर्द हो रहा है? अभी तुम्हें जितना दर्द हो रहा है ना, उसे 100 गुना ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। ए, how dare you, गौरी! तुम जाओ बेटा। ये क्या माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? इसने आनंद पर हाथ उठाया है और आप मुझे रोक रही हैं? ये हमारा लगता क्या है बताइए? बेटा तुम जाओ, तुम चलो मेरे साथ। शंकर काका? हाँ छोटी मालकिन। मधु अब तक नहीं आया? अभी तो नहीं आया वो। क्यों? वो काम छोड़कर चला गया ना बेटी। भैया क्या है? उस दीदी ने दिया है। मैंने गलती की है, लेकिन वो सब अनजाने में हो गया, और जो अनजाने में होता है वो गलती नहीं होती, उसे माफ किया जा सकता है ना। आपके बचपन की गौरी। कार में छोड़ देती हूँ। रहने दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए ना। रहने दीजिए। कम से कम छाता तो ले लीजिए। रहने दीजिए। ले लीजिए ना प्लीज, उन लोगों ने उस जमाने में मेरी मदद की थी, ये बात सच है, और उसके लिए मैं उन लोगों को 100 गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा लूँ। उन लोगों ने जो पैसे दिए थे वो आप लौटा देंगे, पर उन्हें जो जुबान आपने दी थी उसका क्या? आप मुकर सकते हैं, पर आपकी बेटी होने के नाते मैं नहीं कर सकती। गौरी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये समझो, तुम्हारा फैसला गलत है। नहीं पापा, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब करोड़पति के बदले तुम एक भिखारी से शादी करना चाहोगी? यस। अगर चप्पल सोने की भी बनी हो तो उसे पैरों में ही पहना जाता है, पर पत्थर से बने हुए भगवान के आगे हम सिर झुकाते हैं। मेरी नजर में तो मधु भगवान है और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। पापा, मैं आपके आशीर्वाद से सारे गांव वालों के सामने उनसे शादी करना चाहती हूँ।
हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें किसी रजिस्ट्रार ऑफिस या मंदिर में जाना पड़े, प्लीज। शी इज राइट अंकल, गौरी का फैसला बिल्कुल सही है। व्हाट आर यू टॉकिंग, उसने तो तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठाया था। उसने हाथ उठाया है लेकिन मुझ पर नहीं अंकल, मेरे ईगो पर। वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने ही उसे कहा था आई वॉन्ट टू बी योर हबीब कहने के लिए। हाँ गौरी, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया होता तो तुम्हारे मन में किसके लिए प्यार है कभी नहीं जान पाता। आनंद, मुझे सब पता है अंकल, वो बचपन से ही गौरी को प्यार करता आया है। उसका दिल बच्चे की तरह साफ है और वो बहुत मासूम भी है। एक बात मैं सच सच बताऊं, उसके अंदर जो सिंसियरिटी है वो मेरे अंदर नहीं है, वही तुम्हारे लिए सही पति है। ऑल द बेस्ट गौरी। पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए ना पापा। तुम मेरे घर में एक राजकुमारी की तरह रही हो, उस घर में जाकर तुम बर्तन घिसकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर कैसे जी पाओगी? तुम्हारी पसंद से इनकार नहीं है और सिर्फ इसी वजह से मैं उससे तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, पर अभी तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, वो दे पाओगी? चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम अपने पति को उस घर से बाहर निकालोगी, मैं उसके नाम पे एक कॉटन मिल कर दूंगा, इससे वो खुश भी रहेगा और राजा के जैसे जिएगा। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ बेटी, आखिर तुम्हारे पति के नाम कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशनुमा देखना चाहता हूँ, तो तुम्हें उन चार भाइयों से अपने पति को अलग करना होगा। बोलो, क्या ये कर पाओगी तुम? बोलो बेटी। ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गोपाल, एक बात याद रखना, जिन भाइयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी, तब वो लोग बिना सोचे समझे तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। हम साधु लोग हैं, आप धर्म प्रभु हैं, दान कीजिए। क्या कहा? मैंने कहा दान कीजिए। नहीं, मुझे क्या कहा? आपको धर्म प्रभु कहा। ए संटे, साधु जी को इडली बांधो। आहा आहा, आप बहुत बड़े दानी हैं, आप जैसे लोगों के कारण ही समय पर देश में बारिश होती है और फसल कम नहीं होता। ए संटे, साधु जी को मसाला डोसा मसाला वड़ा दोनों बांधो। ठीक है। आहा, आज तक मैंने दानवीर कर्ण का नाम सुना था, आज आपको प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ प्रभु। अरे मस्त मजा आया। ए स्वामी जी को उपमा और चिल्ला चटनी लगा करके ऊपर से बादाम डाल देना। संटे, मैं घर जा रहा हूँ, घर में सब वेट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ले जाकर किसी अच्छे होटल में खाना खिला करके लाता हूँ, तुम होटल का ध्यान रखना। प्रभु, क्या वो इडली डोसा बड़ा आप अपने हाथों से देते? बता तो मैं क्यों दूं? तू कौन है? नहीं दोगे? मैं तुझे भीख क्यों दूं? क्यों दूं भीख? मैं अपने मन की खुशी के लिए दान कर महाप्रभु शिव चक्रवर्ती ये मिलाकर क्यों बोला था तू? मैंने अपने मन की खुशी के लिए तुझे उपमा मसाला वड़ा मसाला डोसा तुझे साथ देने को बोला था, अब हम दोनों की बातें बराबर हो गई, चल निकल ले। साहब ये अन्याय है, मैं तुझ पे अन्याय कर रहा हूँ। ए सोंटी, इसके चार लगा के इसको बाहर कर दे। बड़ा चला के मार दूं क्या? नहीं मर जाएगा, यह मर्डर केस मेरे ऊपर आ जाएगा। ये बात है तो फिर इडली से ही मारता हूँ। पापियों, तुम जैसों के कारण ही बारिश नहीं होती, भूकंप आता है। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते शंकर जी, बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, मालकिन के लिए घर वालों ने कुछ सामान भेजा है। ओहो ये बात है, बेटा गौरी। हाँ भैया, आपने बुलाया? नमस्ते छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, मालिक ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है, इस लिस्ट के हिसाब से आप सारा सामान चेक कर लीजिए। ये सारा सामान वापस लेकर जाइए और मालिक को दे दीजिए।
क्यों बेटी? जैसा कह रही हूँ वैसा खींचिए, ले जाइए इसे। तुमने क्या किया गौरी? तुम्हारे पिताजी ने इतने प्यार से सामान भेजा था, तुमने वापस लौटा दिया, वो क्या सोचेंगे? कोई भी कुछ भी सोचे, अगर कोई किसी को कुछ भेज रहा है तो उसके स्टेटस के हिसाब से भेजना चाहिए ना। मुझे ऐसे सामान भेजे उन्होंने, मुझे उस सब की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं वो सामान क्यों लूं? गौरी, गौरी, आइए पापा। ये क्या किया बेटी तुमने? मैंने क्या किया? और क्या करना चाहती हो तुम? मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए सामान भेजा था और तुमने उसे वापस लौटा दिया। कुछ कमी थी तो मुझे कहती, इस तरह वापस क्यों भिजवा दिया तुमने? कुछ भी कमी नहीं थी पापा, जो जो जरूरी था वो था, लेकिन जो जरूरी नहीं था वो भी था। वो क्या था? हर चीज पर मेरा नाम था। इसमें गलत क्या है बेटी? पापा, जिस दिन मैं इस घर की बहू बनकर आई थी उसी दिन इस घर की सदस्य हो गई थी। अगर आपकी भेजी हुई चीजें मैंने रख ली तो जब जब मैं उन्हें देखूंगी उस पर अपना नाम भी देखूंगी, तब उन चीजों को देखकर मुझे पराया सा लगेगा पापा। ऐसी बात नहीं है बेटी। अभी रहने दीजिए पापा, मैं इस घर में जैसी हूँ मुझे वैसी ही रहने दीजिए। मैं इस घर में जैसी हूँ बहुत खुश हूँ पापा। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव हियर। और अगली बार आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है पापा, प्लीज। बेटी होकर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इस घर की बहू हूँ तो इनके मान का भी ख्याल रखना होगा मुझे ना। संटे, इधर आ। क्या है? मास्टर जी के घर में फंक्शन के लिए जलेबी लड्डू मसूर पाक ले जाकर एक हफ्ता हो गया है ना, वहाँ से अभी तक कोई भी इंसान नहीं आया है। उनके घर जाकर पैसे मांगने की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें। आपका दिमाग तो ठीक है ना, उनके घर कोई जिंदा होता तो लेके आता ना। ठीक है, जाओ क्लीन करो पब्लिक पब्लिक। नानी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है बेटी? आज शुभ सावन का शुक्रवार है, मुझ जैसी अभागन औरत का आशीर्वाद क्यों लेना चाहती है तू? ये ठीक नहीं है बेटी। नानी जी, माथे पर तिलक लगाने से कोई सौभाग्यशाली नहीं बनता है। इंसान की सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तीन पीढ़ियां देख ली हैं आपने, तो आपका आशीर्वाद नहीं लूंगी क्या? अगर एक बार आपने आशीर्वाद दे दिया तो 100 सालों तक सौभाग्यवती बनी रहूंगी मैं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। उठो बेटी। ये लीजिए। गौरी, खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। ऐसा खाना खाए बहुत दिन हो गए थे। सच में बहुत बढ़िया था, है ना? सही कहा तुमने, इसीलिए तो गपर गपर खा रहे थे। भाभी, सच में खाना बहुत अच्छा था। बेटी, सब्जी में मसाले की पुड़िया डाली थी या फिर मसाला पीस कर डाला था? पीस कर डाला वही तो, तभी तो इतना स्वाद था, मैंने कहा था ना। हाथ धो ले। अब हाथ धो सकता हूँ। भैया सुनो। क्या बात है देवर जी?
आपने खाने के बारे में कुछ नहीं कहा। सब्जी बहुत अच्छी थी भाभी। थैंक यू भाभी। ये लीजिए। भैया आप ही लीजिए। बेटी मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर नहीं भूल पाया लेकिन तुम्हारे बारे में गलत सोचा था और ये गलत बात है ना। उस दिन शादी होने के बाद तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बात मैंने सुन ली थी। तुम मुझे और मेरे भाई को अलग कर दोगी ये सोचकर डर गया था। लेकिन कल तुमने अपने पिता को जो जवाब दिया ना वो सुनकर मेरे दिल को शांति मिल गई। मन ठंडा हो गया बेटा। मैं यहाँ तकलीफ उठा रही हूँ ऐसा मेरे पापा ने सोचा। पैसे नहीं रहेंगे तो तकलीफ उठाते हैं ऐसा उन्हें लगता है। पर ज्यादा पैसा होने पर भी इंसान तकलीफें उठाता है ये बात उन्हें नहीं पता है। मैं यहाँ जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ भैया। शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छी बात बोली। हम दूध हैं या पानी पता नहीं लेकिन तुम चीनी हो ये पक्का है। तुम हमारे घर की बहू हो ये हमारी खुश नसीबी है। हम नसीब वाले हैं। आप लोग नसीब वाले नहीं भैया मैं हूँ। मेरी बनाई हुई सब्जी में कोई स्वाद नहीं था पर आप सब लोगों ने उसकी तारीफ की ताकि मेरे मन को ठेस ना पहुंचे। यही तो आप लोगों के संस्कार हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा सब्जी वाकई अच्छी थी। खाना तो मैंने ही बनाया था ना भैया किसी में भी नमक नहीं था। आपने कहा सो कहा आपके दूसरे भाई ने तो खीरे की सब्जी अच्छी है यहाँ तक कह दिया था कि मुझे पुराना लगे। सही तो कहा। आज मैंने खीरे की सब्जी बनाई ही नहीं थी भैया। इतनी देर हो गई है ये आखिर है कहां पर? ठीक है सुबह राव हाँ। शाम को घर आकर मिलता हूं। हाँ ठीक है। सुब्बराव जी जरा यहां पर आइए। अच्छा मेरा नाम आपको कैसे पता? सिर्फ आपका नाम ही हाँ। नहीं आपके बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत मुझे। पता है क्या पता है? अरे डरिए मत मैंने सुना है कि आप बीड़ी बड़ी स्टाइल में पीते हैं। तुम्हें किसने बताया? अरे स्टाइल में पीते हैं ये बात सच है ना? एक बार पीकर बताइए ना। अरे इसमें क्या है बीड़ी को ऐसे निकालो उसके बाद इसे मसल के फिर हाथों में लेके पूरे स्टाइल के साथ। हम एक काम करते हैं बीड़ी मैं पीता हूँ और आप बताइए मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा। जरा माचिस दीजिए ना। नहीं है। दीजिए ना। अरे नहीं है। माचिस के बिना घूम रहे कैसे आदमी है आप? बहुत ही घटिया स्टाइल है आपका। चल जाओ यहाँ से माचिस नहीं है। सुबह सुबह कहाँ से टपक गया ये? क्या ढूंढ रहे हो? भाभी कुछ नहीं ऐसे ही। इसे ही ढूंढ रहे हो ना? कोई बात नहीं ले लो। ले लो। थैंक यू भाभी। भैया आप नहाने जा रहे हैं? हाँ बेटी। एक मिनट रुकिए मैं पानी गर्म कर देती हूँ होते ही आपको बुला लूँगी। अरे मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए ठंडे से। नहीं नहीं भैया मैंने पानी गर्म करने रख दिया है बस दो मिनट में गर्म हो जाएगा। इतनी ठंडी में ठंडे पानी से नहाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। पिछले 40 सालों से मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ आज क्या होगा। शेखर है आप उसके रखवाली करती हैं? क्या भाभी है क्या देवर है? बहुत अच्छा। क्या पी रहा है वो? बीड़ी। बीड़ी
वो तो अभी पी रहा है इसलिए पता चल गया। ऐसी बेकार की चीज पीकर तबीयत खराब हो जाएगी कहो से। वो कोई रूई से बनी हुई सिगरेट पी रहा है ना? फिल्टर्ड। हाँ हाँ वही तो, वही वो पीने के लिए बोलो। देखो मैंने ऐसा कहा ये मत बताना है ना। हाँ सीटी अच्छी बजा लेते हो। कॉफी पी लो। वहां रख दीजिए। ये मैं कर देती हूँ, तुम हट जाओ यहाँ से। मैं कर लूंगा। नहीं तुम जाकर नहा लो, ये काम मैं कर देती हूँ। जब तक तुम आओगे ये रेडी हो जाएगा। रहने दीजिए ना भाभी, मुझे अपने कपड़े भी करने हैं, तुम जाओ ना। ठीक है। अरे कॉफी तो लेकर जाओ। गर्म है, संभाल। अरे बहुत गर्म है। सुनिए मेरा कपड़ा वही रखे है, ले लो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, वो कपड़े पहन कर जाओगे तुम? हाँ। ओहो अच्छे नहीं लगेंगे ना। हाँ कमाल की आ रही, आज तो पेट भर के खाना खाएंगे। इसीलिए भैया एक्सरसाइज करके अपनी भूख बढ़ा रहा हूँ। सुबह से मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। सुनते इधर आ, क्या है इधर आना। सुन उसे भी खाना खाने के लिए बोलना। ठीक है भैया। हाँ बोलो। क्या बात है यार आजकल तुम दिख नहीं रहे हो। हाँ ये बात पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था। अरे इतना अर्जेंट काम क्या है तुझे? मैं क्या तुम लोगों के जैसा निठल्ला बैठा हूँ जो दिन भर बैठ के ऐसे बकवास करता रहूं? चित्रा थिएटर में इंग्लिश फिल्म लगी है टाइटैनिक, वो देखने जा रहा हूँ। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम लोगों ने कभी टाइटैनिक फिल्म के बारे में सुना भी है क्या? नहीं सुना। तो सुनना चाहिए ना, तुम लोग तो बस किसी पीटी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने के लायक हो। अरे मेरे जैसी इंग्लिश फिल्में देख के जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, समझ गए? चलता हूँ। फिल्म देख के आने के बाद कहानी भी सुना दूंगा। क्या भैया ये भी? भाभी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। चिकन फ्राई, मच्छी करी, मटन कुर्मा, अंडे की सब्जी और चिकन बिरयानी। लजीज खाना है भाई। मसाला दबा के डाली होंगी ना? हाँ। तुझे उस सबसे क्या करना है, तू तो इंग्लिश सिनेमा देखने जा रहा था। अरे काहे की इंग्लिश फिल्म, पुरानी फिल्म ही अच्छी है। अपनी ही फिल्मों को कॉपी करके उन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, सब समझता हूँ मैं। बस उन्होंने नाम बदल के टाइटैनिक रख दिया है। अपनी फिल्म में नदी थी, इसमें समुद्र है। अपनी फिल्म में छोटी बोट थी, इसमें बड़ी है। बस यही फर्क है। तुम तो जनरल नॉलेज और कुछ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे। जिसके पास नहीं है उसको जरूरत है ना, हम लोगों को क्या जरूरत है? ऐसी बात है क्या? खाना तैयार है, आ जाइए। बस बेटा। भाभी आपकी शादी में सब लोगों को सेंट मैंने ही छिड़का था। सच कह रही हूँ भाभी, सुनकर कितना अच्छा लगता है। ये लो एक चिकन पीस और लो। हाँ डालो भाभी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। आपके लिए एक और। ये क्या गौरी, पता है इसे चिकन बहुत पसंद है, इसे क्यों नहीं दिया तुमने? अरे 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 ये आपका भाई है, मुझे तो पता ही नहीं था। आज तक एक बार भी मेरा चेहरा नहीं देखा है, देखेगा तब तो मुझे पता चलेगा ना कि ये महाशय मेरे पति के भाई हैं। ये बचपन से ही बहुत शर्मीला है बेटा। थोड़ा शर्मीला होना ठीक है भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो गोपी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ के समान होती है। और अपनी भाभी से कोई शर्माता है क्या? तुम अपनी माँ से शर्माते थे क्या? ये ले। आप बहुत अच्छी हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भैया। Thank you.
केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुय नमः। सुनिए, आप दोनों समझिए, अपनी थाली बदल लीजिए। अरे ये तो सिर्फ 45,000 है। जी हाँ, 5,000 कम रह गए, मैं वक्त से जमा नहीं कर पाया, लेकिन एक हफ्ते में दे दूंगा मैं। जब जमा हो जाएंगे तभी ये मंगनी होगी। Hey, चलो सब चलो। सुंदर जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसे अचानक चले गए तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? तो मैं क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था मुझे मंगनी के दिन 50,000 रुपए चाहिए। इतनी फिक्र है तो 5,000 आप ही दे दीजिए। देंगे आप? 5,000 क्या, 50,000 हो तो भी दे सकता हूँ। उस लड़की की जिंदगी से तो बड़े नहीं है, लेकिन तुम्हारा आचरण देख कर ये रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझता हूँ। तुम जा सकते हो। अरे गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम रुको, अभी तुम खड़े क्यों? तुम्हारा दिल बदल सकता है लेकिन हमारी बातें नहीं बदलेंगी। जाइए जाइए। बहना इधर आओ, ये पैसे ले जाकर अंदर रखो, जाओ रखो। ये तुम क्या कर रहे हो गोपाल? पंडित जी। हाँ जी। मंत्र पढ़ी है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। ये थाली मुझे दीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब अपना नाम कहकर अंदर आ जाओ। सुमति नाम बोलो। जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक हम अंदर नहीं आने देंगे। हाँ। अब मैं और वो आए हुए हैं। वो मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पति का कोई नाम तो होगा ना, वो बताओ। वो मैं और गोपी जी आए। हाँ, ये खुला बात। अब आप बोलिए देवर जी। वो भाभी, वो ये क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है? इसका नाम बताना, जल्दी बता। मैं और वो आई है। ये क्या, तुम्हारा नाम वो है? अब आप सबको तो नाम पता है ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें इसका नाम बोलना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से बोलो। गौरी, अब छोड़ भी दो ना। ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बोलना ही पड़ेगा। मैं और सुमति आए। पहले थाली में पैसे डालिए फिर अंदर आइए। अरे पैसे तो नहीं। ये लो। अरे गोपाल, सही वक्त पर आकर 10 लोगों के बीच तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तुम्हारे भाई के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, फिर भी मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर तुमने इस दोस्ती को बचा लिया। मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? दोस्तों के बीच में धन्यवाद माफी नहीं होता ना यार। चुप हो जा। क्या फिर से उधारी? अभी तक तेरे 250 रुपया हो चुका है, फिर से उधारी कर रहा है? एहसान, तू अपने सारे कपड़े उतार कर यहाँ रख। अरे नहीं, रहने दीजिए। क्यों बे, तुझे खुजली दांत कुछ बीमारी तो नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं पैसे कल दे दूंगा पक्का। वो सब नहीं चलेगा, तू अपने पूरे पैसे भर या फिर कपड़े उतार। एक बार फिर से सोच लीजिए। ए, मैं जो कह रहा हूँ तू कर। तू कपड़े अपने खोलेगा या मैं खोलूं? अरे रहने दो, मैं खुद ही खोल देता हूँ। तेरा पूरा हिसाब बराबर करूंगा मैं। ऐसे 2 कपड़े पहन के आया था कमीना। क्या है? क्या है? दिमाग पाया है गुरुजी आपने। पैसा कलेक्शन करने के लिए तू मुझसे सीख ले। अच्छा, 250 रुपए कलेक्शन के लिए 35 रुपए की कमीज खरीदी? क्या 35 रुपए का है? तो क्या तुम्हें 1,000 का लग रहा है? जाओ जाओ, उसको जल्दी पकड़ो, जाओ। क्यों पकड़ूं? वो बस में चढ़ भी गया और बस अपने रास्ते पे निकल भी गई। मेरी पगार तो बढ़ाते नहीं हो, अब अपनी करनी भोगो तो। तू ज्यादा मत बोल, ये शर्ट मुझे बहुत ही पसंद है। पसंद है तो पहन लो। बेटी सुमति, अंदर छाता लेकर आओ। दीदी, बड़े भैया छाता मांग रहे हैं। वो वहां से लेकर दे दो, मुझे दूसरे काम है, आप ही जाकर दे दो। भैया ये लीजिए छाता।
नमस्ते मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे छोटे भाई शेखर की डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हो गई, एक हफ्ते में वो आ रहा है, इसलिए ये हॉस्पिटल तैयार करवा रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है, गरीबों की सेवा करने के लिए इस गांव में आ रहे हैं आपके भाई, बहुत अच्छे भाई हैं आपके। चलता हूँ मालिक। धन्यवाद मालिक, आपकी कृपा से मेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छी बात है, अगले महीने के 15 तारीख को शादी है। ओहो। आपको अपने परिवार के साथ आना होगा मालिक। ठीक है बेटी, आशीर्वाद ले लो। जीती रहो, जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब हम चलते हैं मालिक। रुकिए एक मिनट बेटी सुमति, वो पूजा घर से कुमकुम ले आओ जरा। अच्छा, लड़का क्या करता है? राइस मिल में सहायक का काम करता है। अच्छा, कौन से मिल में? वेंकैया जी के मिल में। बेटी सुमति, कुमकुम ले आओ बेटा। भैया, ए, क्या है ये सब? जब से आई हो तब से देख रहा हूँ, भैया की हर बात को तुम इग्नोर करती हो। तुम मेरे भैया को क्या समझती हो? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? गोपी, कैसी बात कर रहा तू? बेटी, तुम अंदर जाओ। ए गोपी, बहू नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगी। ची ची ची, ऐसी बाजारी जैसे चूहा मर गया हो। देखो कहीं नीचे तो नहीं है। अभी आ रहा है क्या? हाँ, नहीं आ रहा। अरे भाई, हाँ? पैर हिलाओगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? मेरे पैर हिलाने का तेरे खाने के साथ क्या संबंध है? तुम्हारे पैर के बारे में नहीं, इसके पैर की बात कर रहा हूँ। तू घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? सीधे सीधे बोलने में तुझे तकलीफ हो रही है क्या? ए अरे सुनते, हाँ? उस टेबल के नीचे कुछ रख दे। हाँ ठीक है, रखता हूँ। अब ठीक है? ओके। हट, जा यहाँ से। अरे कितनी बार बोला है तुझे, एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या? चल जा 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 जा। बाप रे, मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। भगवान की कृपा तुझ पे सदा बनी रहे। क्या बात है? पोस्टिंग ऑर्डर की चिट्ठी आई है। अच्छा, अपने ही गांव में मैं एसआई नियुक्त हुआ हूँ। अरे बहुत खुशी की बात है भैया। मुझे नहीं, पहले अपनी बीवी को खिला, ये सब उसकी किस्मत है। तेरी नौकरी के लिए उसने कितनी पूजा की होगी, कितने उपवास रखे होंगे। जाओ पहले उसे खिलाओ। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बेटा? नहीं भैया, मेरा चेहरा देखने से काम बिगड़ जाता है। मैं शनि की कुंडली वाली हूँ, मेरे पापा बचपन से यही कह रहे थे और वही बात मेरे दिल में बस गई थी। उस दिन आपने मुझसे कुमकुम मांगा था, उस लड़की की शादी होने जा रही थी, अगर मैं कुमकुम देती तो उसकी शादी रुक जाती। आप बाहर जा रहे थे और मुझसे छाता मांगा था, अगर मेरा चेहरा देख कर जाते तो शायद कुछ अपशगुन हो जाता था, यही सोच कर मैंने छाता नहीं दिया। बस ऐसा ही सोच रही थी, अगर आपका अपमान हो गया हो मुझसे तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया। ऐसे नहीं रहते बेटा, नहीं रहते। नहीं बड़े भैया, मेरा भी नसीब है, मेरी पूजा का भी कुछ महत्व है, ये किसी ने पहली बार मुझसे कहा है। अब अगर इस पल मुझे मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं, मेरे लिए यही काफी है बड़े भैया। अच्छे बुरे के लिए इंसान ही वजह होता है। अरे इंसान ही क्या और भगवान ही क्या, बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ होता है, लोमड़ी की पूंछ शुभ होती है। लोग कहते हैं ऐसा है तो सब घरों में लोमड़ी ही क्यों नहीं पालते, क्यों नहीं करते ऐसा? अच्छा और बुरा इंसान के दिल में ही होता है बेटा, आशीर्वाद देने वाले हाथों में नहीं।
आज के बाद कभी भी अपनी आंखों में आंसू मत लाना, ठीक है ना? ए, इसका मुंह मीठा करवा। अरे खिलाना। मधु, बचपन से मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूं, ये सोचकर मेरी मदद करने के लिए पढ़ाई दिमाग में नहीं घुस रही ये कहकर तूने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगा। अब तेरे दोनों भाई अच्छी जगह पर हैं, दोनों देवर को अच्छी पगार मिलती होगी ये तेरी पत्नी सोचती होगी। देख मधु, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा ही कुछ कर सकता है, हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तेरा दिमाग भी अच्छा है तो कुछ भी कर सकता है, और फिर तेरी मदद के लिए सबके सब हम मौजूद तो हैं ना। बेटा नमस्ते जी। अगले हफ्ते से 100 अचार का पैकेट, 100 मसाले का पैकेट भी डाल देना, ठीक है? ठीक है जी। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। अच्छी बात है। नमस्ते। चलता नमस्ते हूं। बेस्ट ऑफ लक। ये बॉक्स अंदर रख दे। ठीक है मालिक। हमें आपका और माल नहीं चाहिए, समझ गए ना? ऐसा क्यों? आपका माल मार्केट में बिल्कुल नहीं बिक रहा है, पूरा स्टॉक वैसे ही का वैसा पड़ा है, सिर्फ रुचि मसाला बिक रहा है। अपनी दामाद को हमेशा कम समझते रहे आप, अब क्या कहेंगे? कुछ भी हो, अगर वो अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है ना, वो लोग खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। कौन है बे वो? इतने सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ, अभी अभी आया है वो, मुझसे मुकाबला करेगा? उसे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उसे यहाँ बुलाओ, मैं बात करता हूँ। नमस्ते जी। आपने बुलाया था? तुम्हें आचार की दुकान बंद करनी हो गई, कितना चाहिए? 10 लाख दूंगा, चलेगा? 10 लाख क्या, 10 करोड़ दोगे तो भी मैं अपनी कंपनी बंद नहीं करूंगा। अच्छे से सोच कर बताना, इस धंधे में छोटे से बड़ा हुआ हूं, मुझसे मुकाबला बहुत महंगा पड़ेगा। 6,000 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, पूरे मुंबई में मेरी ब्रांच है। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, आफ्टर ऑल अपने घर में बना करके तुम कैसे मार्केटिंग कर पाओगे? आपने पूरे राज्य में 6,000 वर्कर्स रखे हुए हैं और मेरी कंपनी से डर रहे हैं, इसका मतलब कि मेरा माल अच्छी क्वालिटी का है, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर मुकाबला क्या? इस दुनिया में मैं कहीं भी मार्केटिंग कर सकता हूं। चलता हूं। यहाँ पर? नहीं साहब। यहाँ पर? यहाँ भी नहीं। जरा लंबी सांस खींचना, धीरे धीरे। ओके, उठ जाइए। हाँ। उठिए। हाँ, अब बैठ जाइए आराम। अच्छा साहब, मुझे क्या हुआ है?
अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल सा पेट दर्द है। ठीक, मैंने मेडिसिन लिख दी है। हाँ। सुबह शाम दो दो। अच्छा, हाँ, टोकन नंबर 29। क्या कहा साहब ने? शहर के डॉक्टर ने कहा था खतरनाक बीमारी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। अच्छा? है, भगवान इन डॉक्टर साहब को 100 साल की उम्र दे। ए सोंटी। हाँ, आ रहा हूँ भैया। ए, भगवान की कृपा से तेरे भाई का हाथ अच्छा, उसने बहुत नाम कमा लिया है, तो उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना। काम में इतना घुस जाता कि ठीक टाइम पे खाना भी नहीं खाता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, 1 बजे पेशेंट बंद, खाना चालू। हाँ, वैसे ही ख्याल रखना। मैं देख लूंगा भैया। हाँ, आप जाइए। हाँ। अरे रे, इतनी चोट आपको कैसे लग गई? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर? नाखून काट रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी के खम्बे से बांध कर, देखो ना मुझे कितना मारा। नाखून काटने से इलेक्ट्रिक खम्बे से बांध के मारा? ऐसा कोई करता है क्या? वो इंसान है या कोई राक्षस है? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। कि तुम मुझे समझ पाए। वो लोग तो मुझे समझ नहीं पाए। नाखून काटने का मतलब उंगली काटना? तुझे मारना नहीं चाहिए, मार डालना चाहिए। अरे मुझे कहीं सेप्टिक ना हो जाए। हमारे दोनों गांव के बीच में एक मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है, जिसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। इतने दिनों तक हमारे गांव वाले कुछ करेंगे ये सोचकर तुम्हारे गांव वाले, और तुम्हारे गांव वाले कुछ करेंगे ये सोचकर हमारे गांव वालों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये मंदिर जितना आपके गांव का है उतना ही हमारे गांव का भी है, इसलिए हम दोनों गांव वाले मिलकर इसका जीर्णोद्धार करेंगे, और हमें उसके बाद इसका अच्छे से अभिषेक करना चाहिए, और इसलिए ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में दोनों गांव के बड़े बड़े लोग हैं। कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अगर आपको किसी का नाम चुनना है तो गोपाल जी का नाम और लक्ष्मीपति जी का नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है, इसलिए हम सब अच्छे से सोचकर, ठीक से विचार करके सभी की राय सहमति के बाद श्री गोपाल राव जी ही प्रेसिडेंट पद के लायक हैं। इस कमेटी ने ये फैसला लिया है। दोनों गांव वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगे और इस शुभ कार्य को सफल बनाएंगे, ऐसी मैं सबसे विनती करता हूँ, तो हमें ये काम शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। ये क्या, अभी तक नहीं आए? क्या है टाइम? देखिए 10:10 हो रहे हैं, 10 का टाइम है ना, अभी तक आए नहीं डॉक्टर। डॉक्टर को टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, 1-1 मिनट की वैल्यू होनी चाहिए। आप कौन हैं जी? मैं भी एक डॉक्टर हूँ। आप भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर का मतलब मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की होने वाली बीवी हूँ। अच्छा, आप कौन है? वो मैं यहाँ टोकन देता हूँ जी। हटिए हटिए ना। अच्छा, डॉक्टर का कोई बड़ा भाई भी है, वो कैसा आदमी है? कैसा आदमी मतलब? वही गुस्से वाला है, ऐसा सुना है। आप उनके बारे में क्या? उस भैया का नाम सुनते ही डॉक्टर की पैंट गीली हो जाती है, गीली। डॉक्टर पढ़ा हुआ लड़का है, कोई ऐसे डरता है क्या? कितने गलत बात है। बहुत गलत है। होने दो होने दो, पहले डॉक्टर के साथ शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक कर दूंगी। क्या करने वाली हैं? क्या करूंगी? हाँ? शादी करके 1 साल में जुड़वा बच्चे पैदा करूंगी और उसके हाथ में दे दूंगी। जब वो बच्चे 5 साल के हो जाएंगे ना, तब उसे बड़ा परेशान करेंगे, इस तरह से अपना बता लूंगी। ये डॉक्टर कब आएगा क्या पता? ठीक है, आप एक काम करिए। हाँ? जब डॉक्टर आ जाए ना, तो मैं यहाँ आई थी ये बता दीजिएगा। यही की जी, वो मेरा नाम बताया नहीं ना? हाँ। नंदिनी जी, क्या कहेंगे? यही जी कि नंदिनी जी आई थी और चली गई। गुड। हाँ। काफी आगे जाएंगे आप। और अब ये पूरा हो गया है, पूरे 498,200 रुपए, और तुमने जितना दिया उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर इस भगवान के कार्य के लिए मेरा चंदा 1,800 रुपए है, और अब हो गए पूरे 5 लाख। ठीक है यार, मैं शहर जाकर ये पैसा बैंक में जमा करवा के आता हूँ। ठीक है, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन शाम को इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ। मैं चलता हूँ। अरे क्या हो गया? अरे जरा बंद करो भाई।
ऐसे कुछ नहीं होगा, लाल जुबान काटने से पहले उनके बीच में कुछ कड़क चीज रखो। देखो देखो मुंह में डाल कर देखे। आप लोग जाइए अपने अपनी सीट पर बैठिए, जरा इन्हें हवा आने दीजिए। अब कैसा है बेटा? अरे अरे मेरा बैग कहाँ गया? अब किसी ने मेरा बैग देखा क्या? क्या हुआ? उसमें 5 लाख रुपए था। लगता है चोरी हो गई। मेरी सोच गलत नहीं हुई, उसकी अच्छाई के कारण ही आज उसका यह हाल हुआ। अपने आदमियों को भेजो और पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाओ कि उसने मंदिर का पैसा चुराया। इस समय पुलिस स्टेशन का एसआई उसका भाई है, वह खुद जाकर अपने भैया को अरेस्ट करेगा और उसे ले जाकर थाने में बंद करेगा। और जब मैं ये अपनी आंखों से देखूंगा तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। अरे गोपाल जी, आपने मंदिर का पैसा चुराया, ऐसा पुलिस कंप्लेंट किसी ने की है। पुलिस आपको लेने के लिए आ रही है गोपाल जी। देखो गोपी, अब तुमने ये वर्दी पहन ली है, अब तुम्हारी नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुनहगार चाहे तेरा भैया हो या कोई और हो, उसे सजा देने का अधिकार है तुझे। ये तेरा फर्ज है, इस वर्दी का गौरव है। एक गोपी, क्या कर रहे थे? मुझे माफ कर दो भैया, ये सच है कि मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया मेरी ये नौकरी आपकी दी हुई भीख है, आपको हथकड़ी लगाकर अपनी नौकरी बचाने से अच्छा कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं ये काम नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता। क्यों बेटा, इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, अब इस्तीफा क्यों दे रहा है? जरा अपनी बीवी के बारे में भी तो सोच लेता एक बार। इसमें सोचने वाली क्या बात है नानी, दिन रात मेहनत करके बड़े भैया ने इनकी इतनी अच्छे से परवरिश की, इन्हें इतने बड़ा ऑफिसर बनाया, अब उन्हें गिरफ्तार करना हो, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा है, भाई एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, अब बीवी भी सोचती है, अच्छी बात है। नानी माँ, भैया कहाँ है? नमस्ते जी। ओ तुम आओ बैठो। ऐसे ही ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? आपने उस दिन कहा था ना कि मैं अपनी कंपनी बंद कर दूँ, आज मैं अपनी कंपनी को बंद करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तुम्हें पैसे की जरूरत है वो मैं देता हूँ। थैंक्स जी। लेकिन तुम्हें अपनी कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं। सर। हाँ मिस्टर मधु, आपके भाई के साथ जो हादसा हुआ वो मुझे पता है, आपके परिवार के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। जर्नली सब लोग उदाहरण के तौर पर तुम्हें राम लक्ष्मण कहते हैं। राम लक्ष्मण कैसे थे ये तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तुम्हारे भाइयों को देखता हूँ तो शायद राम लक्ष्मण भी ऐसे ही होंगे। ऐसे परिवार को तकलीफ में आना ये बहुत ही दुख की बात है।
राम के हनुमान के जैसा तो नहीं, लेकिन अपन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये पैसे तुम रख लो, तुम अपनी कंपनी के नाम पर सब माल तैयार करो, मैं पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग करूंगा। सर, आपका यह एहसान मुझ पर उधार रहा सर। दोस्तों के बीच में कौन सा एहसान, वी आर फ्रेंड्स। अरे वहां क्यों रुक गए, आओ। तुम अपने भाई को अरेस्ट करने के लिए वहां गए थे और वो खुद चल के यहाँ आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने यूनिफॉर्म को हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? सर मैं ये इतनी छोटी सी बात से डरकर तू रिजाइन कर देगा? तुझे ऐसे आगे बहुत सारे केस मिलेंगे, मैं तुझे एसपी बनते देखना चाहता हूं। भैया वो बात नहीं, तू कुछ मत बोल। इंस्पेक्टर साहब मुझे लॉकअप में बंद कर दीजिए। रुके सर, वो पैसा चोरी नहीं हुआ, वो पैसा मैंने निकाल लिया था सर। ये बात भैया नहीं जानते थे, बाइक नहीं दिखा तो चोरी हो गया समझ बैठे थे। जब शहर से मैं आया तो मुझे इस बात का पता चला, यही सच्चाई है सर। ए मधु, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो भैया, घर चलकर आपको सब कुछ बता दूंगा। सर ये रहा 5 लाख रुपया, ये पैसे कमेटी को देकर ये केस क्लोज कर दीजिए। कैसे आदमी हो यार, तुमने निकाला था तो भैया को बताना चाहिए था ना, बेकार में शरीफ आदमी को परेशान होना पड़ा। सॉरी सर, भैया आप घर जाइए, मैं हिसाब किताब करके आता हूँ। चलता हूँ। ठीक है। छे, समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसे नीचा कैसे दिखाऊं, आखिर उनके पास 5 लाख रुपए आए कहाँ से? लेकिन अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तक तेरी समझ में कोई बात आई है? जो आज तेरी समझ में आएगी, बेवकूफ इंसान। तुम यहीं पर रुको, मैं भैया का मूड देख के आता हूँ, फिर तुम्हें अंदर बुलाऊंगा। ओके। भैया। क्या है? वो भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसी के लिए आया हूँ। कौन सी बात? वो भैया, मैं और एक लड़की एक लड़की से लव। अच्छा, लव करते हो? इस बारे में तुमने मुझे कब बताया? गांव में सब बातें कर रहे थे, मैंने भी वहीं सुन ली। सॉरी भैया, आपको बहुत दिन पहले मैं बोलना चाहता था पर मुझे आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ओह, वो लड़की अभी बाहर ही खड़ी है भैया। बाहर क्यों खड़ा रखा है, अंदर लेकर आना उसे। ठीक है ठीक है भैया। सुनो, भैया का मूड बहुत अच्छा है, आ जाओ। चलो आओ। ये सही है क्या, बड़े भैया का नाम सुनते ही इसकी पैंट ढीली हो जाती है? डॉक्टर पढ़ने वाले लड़के को कोई ऐसे डराता है क्या? ये गलत है कि नहीं? गलत तो है जी। नमस्ते करो। नमस्कार। ये क्या, मैं इधर हूँ, नमस्ते उधर कर रही हो? वो घबरा गई भैया, घबरा गई। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नंदिनी। नंदिनी। नंदिनी भैया? क्यों, ये नहीं बता सकती क्या? वो बड़े लोगों की इज्जत करती है ना, और सिर्फ क्लोज फ्रेंड से ही ये बात करती है। वैसे भैया बहुत शर्मीली है ये। ओहो। है ना? मेरी एक बार उस डॉक्टर से शादी हो जाए, फिर उसके बड़े भैया को भी देख लूंगी। क्या करेंगी? क्या करूंगी? शादी करके ना जुड़वा बच्चे पैदा कर दूंगी 1 साल में, और उसके हाथों में दे दूंगी। जब बच्चे 5 साल के हो जाएंगे ना, उसे बड़ा सताएंगे। अरे भाई, लड़की चेहरा नहीं दिखा रही तो मैं फैसला कैसे लूं? सर उठाओ ना। क्या बोलेंगे? यही जी, कि नंदिनी जी आई थी और चली गई। हाँ। काफी आगे जाएंगे। ये आपके बड़े भैया हैं? हाँ। क्यों? नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी? ये आपके बड़े भैया हैं? हाँ हैं। उस दिन हॉस्पिटल में? उस दिन हॉस्पिटल में क्या? मैंने बहुत कुछ कह दिया शादी के बारे में भी, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। भैया छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल माइंड नहीं करते हैं, तुम घबराओ मत, मैं उनसे बात करूंगा। उनका इतना अपमान किया, आप कैसे बात बनेगी, वो नहीं मानेंगे। तुम ना कहीं और शादी कर लो, अगर लड़की पैदा हुई तो उसे मेरा नाम दे देना, मैं मर जाऊंगी। देखो वो कैसे देख रहे हैं, देखो देखो कैसे देख रहे हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। नंदिनी तुम कहां जा रही, मेरी बात तो सुनो। नंदिनी। ए शेखर, ये लड़की सही कह रही है,
इसे जब उस दिन हॉस्पिटल में देखा था तभी एक फैसला ले लिया था। देखा ना तुमने, इन्होंने सब कुछ सुन लिया, इन्होंने फैसला भी कर लिया होगा। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा जाओ। और सुनो, अगली बार आना तो अपने माता पिता को लाना, शादी की बात करनी है ना उनसे। नहीं समझी? तुम ही मेरे भाई के लिए सही जोड़ी हो, यही फैसला है मेरा। थैंक यू बड़े भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी, शीघ्र मेव कल्याण प्राप्ति अस्तु। बेटी मेरी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। किसी भिखारी से कहती तो उससे तेरी शादी करवा देता। जानती है तू किससे प्यार करती है? जिस इंसान की वजह से तेरे बाप की यह हालत हुई है उसके भाई से तू प्यार करती है। उस दिन वो गोपाल मंगनी के दिन हमारे घर तक तो आया लेकिन तेरी बुआ को छोड़कर चला गया और उसी गुस्से में आकर अपनी बहन की शादी मैंने किसी और के साथ कर दी। बाद में मुझे पता चला कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी। वो दूसरी शादी होती तो भी चलता था लेकिन वो एक कमीना इंसान था। तू किसी से प्यार करती थी ना? ऐसा बोल बोल कर उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तू चरित्रहीन है इसीलिए वो छोड़ कर गया, ऐसा कह के वो टॉर्चर करता था। मेरी बहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर एक दिन उसने अपनी जान दे दी। और इन सब का कारण कौन है? उसका भाई। और ऐसे घर में तू बहू बनकर जाएगी? एक बात तो ध्यान से सुन ले, तो जिंदगी भर इस घर में कुंवारी पड़ी रहेगी तो भी मुझे परवाह नहीं, लेकिन उसके भाई के साथ मैं तेरी शादी कभी नहीं करूंगा। हाँ। हाँ। तुरंत पंडित को बुलाओ, जल्द से जल्द तुम्हारी और नंदिनी की शादी होगी। अरे ये क्या, एक निवाला भी नहीं खाया और हाथ धो लिए? मुझे भूख नहीं है नानी। वो लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हम सबको बहुत पसंद आई, लेकिन लक्ष्मीपति के बारे में सोचता हूँ तो बहुत डर लगता है। हमारा परिवार कब अलग हो वो यही राह देख रहा है। भैया सच्चाई तो यही है कि मेरे लिए इस परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भैया मैं उस लड़की को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। शेखर तुम इस वक्त क्यों आई हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, जरा बाहर आओगे? ये क्या, तुम सूटकेस लेकर आई हो? शेखर मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवाने का फैसला कर लिया है, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। अब मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। देखो नंदिनी, अगर इस वक्त भैया ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, तुम चली जाओ। बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया, जब देखो बड़े भैया की बड़ी रहती है। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो शिखर। मेरे लिए बड़े भैया सब कुछ है। शिखर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम उसे दूर रहकर खुश रह पाओगी। वो मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपने बड़े भैया से दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा नंदिनी, मेरी मजबूरी को समझो। तुम्हारे पिताजी जहां शादी करवाना चाहते हैं वहीं तुम शादी कर लो। देखो बहुत रात हो गई, अब तुम जाओ यहां से, मुझे माफ कर दो।
अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, जिस लड़की को मेरा भाई चाहता है वो खुद आकर कह रही कि भाग चलते हैं चलो, लेकिन मेरा भाई कहता है कि वो भैया को नहीं छोड़ सकता। ऐसा बोल के उसने लड़की को भेज दिया। छोटा भाई है वो, मेरी इतनी इज्जत करता है, पता है आज तक उसने जो भी मांगा मैंने उसे दिया है, उसके भैया के रूप में उसकी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने। तो जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे ना कैसे कह सकता हूं मैं, इसीलिए फैसला लिया है। ओपनिंग स्टॉक 31,000 और 71,000 है। आज 200 लॉरी में 21,500 का माल आया है, वो सब मैंने यहाँ रखवा दिया है। और ये सारी जो धान की बोरियाँ हैं वो कल आई हैं, और 50 लॉरियों में 500 चावल की बोरी बाहर भिजवा दिया है। शाम तक वो लोग ये यहाँ पर क्यों आया है? नमस्ते। ये यहाँ क्यों आया है पूछो। आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब जाइए। उस दिन मैंने कहा था कि आपके बहन से शादी नहीं करूंगा। क्यों कहा था आप अच्छे से जानते हैं। मैंने जो किया वो गलत है, आप समझ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे भाई को सजा मत दीजिए। हम लोगों के बीच जो दुश्मनी है उसे जाने बिना ही उसने प्यार किया। मैं अपने भाई के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, कृपा करके उन दोनों की शादी करवा दीजिए। तेरा चेहरा देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, यही सोचकर मैं गांव से बाहर यहां जी रहा हूं। ऐसे में मैं अपनी बेटी को तेरे घर भेजूं? इतने सालों से मैं यही सोचता रहा कि तेरी परछाई भी मुझ पर ना पड़े, अब ये जिद छोड़कर मैं तुझसे रिश्ता जोड़ लूं क्या? ठीक है, मैं अपनी जिद, अपना मान सम्मान सब छोड़ दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई के साथ करवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे बताओ? अपनी जान छोड़ोगे? अब ठीक है जी। तू अपनी जान छोड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा? जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उन्हें छोड़ दे। तेरे भाइयों में तेरी जान बसती है ना, उन भाइयों को छोड़ दे। भाइयों के साथ रिश्ता तुझे तोड़ना पड़ेगा। जिस वक्त तेरा भाई और मेरी बेटी शादी के मंडप में बैठेंगे उसी वक्त तुझे अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लेना होगा। तेरा भाई मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाए उससे पहले तुझे यह गांव छोड़कर जाना होगा। अगर तुझे यह सब मंजूर है तो मुझे भी यह शादी मंजूर है। क्या बोलते हो? ठीक है जी। वादा करो मुझसे। अंकल, नंदिनी का मेरे साथ शादी करवाने का वादा किया था, अब आपने इसके भाई के साथ शादी करवाने का वादा कर दिया। हे, तू नहीं समझेगा, इसे इसके भाइयों से अलग करना है, ये सपना मैं बरसों से देख रहा था, अब मेरा सपना सच हो रहा है। तुम चिंता मत करो, एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं तेरी शादी करवा दूंगा। शेखर, मधु, नानी माँ, ए, तुम बहुत नसीब वाले हो, लक्ष्मीपति से मिलकर आ रहा हूं।
हम बेचारे को गलत समझ रहे थे। बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और खुशी से शादी के लिए मान लिया। बड़े भैया, क्या हुआ? शादी के बाद जैसे ही बच्चे होंगे तो वो आपके पास ही रहेंगे। अगर वो आपके पास रहेंगे तो भैया वो प्यार का मतलब सच में समझ पाएंगे। ठीक है, मेरे पास नहीं तो किसके पास रहेंगे? उनके नाना नानी आकर मांगेंगे तो भी नहीं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। अरे गोपाल, अरे अरे हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे यार, भाइयों को जैसे पालना चाहिए वैसे ही पाला मैंने, वैसे ही बड़ा किया। अब वो खुशी खुशी रहे, उससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन उनकी खुशी में एक तो मैं हमेशा रहूंगा। मत रो मेरे यार, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मत्रो, अंदर जा। ओम गणपति नमः, ओम नारायण स्वाहा, ओम वादुवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम शंकराय नमः। भैया कहाँ हैं? अरे वो काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे ना। अच्छा, नमस्ते, आइए आइए। चंद्रा, आपका बेटा क्या? गोपाल कहाँ है? अच्छा, कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी तो तुम्हारे साथ ही था। कोई उसका दोस्त आ गया था, वो कह रहा था तू तो उसे ही लेने गया है, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है।
घर खुला है, तुम जाकर ताला लगा कर। ठीक है। भैया बड़े भैया कहाँ हैं? थोड़ा काम से बाहर गए, आते ही होंगे। बजाते रहो बजाते रहो। बेटा मंगलसूत्र पहनाओ, बंद करो। बड़े भैया को आने दीजिए, तभी मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये क्या है बेटा, देर होगी तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। जब बड़े भैया आएंगे शुभ मुहूर्त भी तभी होगा। अशुभ घड़ी में मंगलसूत्र पहनाना शुभ नहीं होगा। अपने बड़े भैया के बिना मैं कोई काम नहीं करता। तभी मंगलसूत्र पहनाऊंगा जब बड़े भैया यहाँ पर आएंगे। आज के बाद तुम्हारे भैया नहीं आएंगे। हे चुप रहो तुम। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अगर तुम लोग मेरी बात पे शक है तो चाहे तो तुम इनसे पूछ सकते हो, ये सच जानते हैं। पिताजी ये क्या है सब, क्या है सब बताइए। सब लोग मुझे माफ कर। यही हुआ था। नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, ऐसा मत कर बेटा। चल नहीं नहीं, मेरी बात सुन। अगर ऐसा करोगे तो खानदान का क्या होगा? क्या किया पापा आपने? बड़े भैया के बगैर इनकी कोई जिंदगी नहीं है, उनके बिना ये लोग नहीं रह सकते। हमारी शादी के बदले आपने ऐसा काम क्यों किया? इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने? बेटी मेरी बात, अच्छा होता कि आप मुझे जहर देकर मार देते। नंदिनी 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 दरवाजा खोलो। नंदिनी मेरी बात सुनो बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। नंदिनी तुम क्यों रो रही हो? उसने शादी नहीं की तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा ना। यू रास्टर नंदिनी छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए छोड़ उसे। पापा ए पापा शेखर शेखर। ए ए बेटा बेटा, वो कमीना मेरी बेटी को लेकर जा रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लो बेटा। बस करो, आज के बाद तेरी बेटी से मेरा कोई संबंध नहीं। इस रिश्ते को मैं खत्म करता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। शेखर रुक जा बेटा, क्या गलत बात कर रहा है? वो जब मंडप में बैठी थी तभी हमारी बहू हो गई थी, उसे बचाना हमारा फर्ज बनता है। हाँ जी, एक लड़की को हम बचा नहीं पाए, ये भैया जी को पता चलेगा तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। नानी माँ आप इन्हें लेकर घर जाओ, शेखर को भी तुम लोग भैया को ढूंढ जाओ, नंदिनी को मैं बचाऊंगा। कहाँ ले गया होगा वो उसको। चलो उतरो, चलो छोड़ो मुझे, चल चल। Yeah.
रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो लक्ष्मीपति, ये शादी हो जाए इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि शादी रुक जाएगी इसलिए मैं वापस आ गया। मैं चला जाऊंगा। गोपाल, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो गोपाल, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की बात मानकर जंगल गए थे, मगर तुम अपने भाइयों की खुशी के लिए गांव छोड़कर जा रहे थे, तुम मेरे लिए भगवान ये हो। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी अच्छाइयों को मैं नहीं समझ पाया था, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, मुझे माफ कर दो गोपाल, और मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। गोपाल, मैं अपने दिल की इच्छा तुम्हें बताऊं? बताइए भाई साहब। अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारा भाई होकर जन्म लेना चाहता हूँ।